गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी आवर लास्ट वीडियो फॉर आवर चैप्टर 6, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट वन क्वेश्चन विच वॉज ऑल्सो इन योर असाइनमेंट. क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर टू प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन शो दैट इंसिडेंट रे ए बी इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे सी डी. सी, देर आर टू मिरर्स एम एंड एन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सपोज दिस इज मिरर एम, दिस इज मिरर एन. ओके, वी विल मेक जस्ट लाइक मिरर, इट इज एन मिरर. This is mirror M. एक रे है ए बी, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. एक रे है, सपोज वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है इस पे ए बी, फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ स्ट्राइक करती है सी पॉइंट पे, और सी से फिर रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ रिफ्लेक्ट करती है डी पॉइंट पे. ओके, डी आपको जो प्रूव करना है, आपको शो करना है कि इंसिडेंट हुआ, फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया. हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है और सी डी है, ये पैरेलल लाइन आएगी. दिस वी हैव टू प्रूव ओनली. देन सी, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा फिजिक्स क्लास में कभी. उसमें हमें क्या करना होता है, इस पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी होती है, मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस वन. ओके, और इधर भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. सपोज ये इंटरसेक्ट करते हैं पी पॉइंट पे. ओके, आप लिखेंगे हियर एम इज पैरेलल टू एन, ड्रॉ BP perpendicular to N and CP perpendicular to M. ये हमने perpendicular lines draw की हैं. Now इसको अगर मैं angle 1 name देता हूँ, इसको 2 name देता हूँ, इसको angle 3 name देता हूँ, तो इसको angle 4 name देता हूँ. जो angle of incident होता है वो angle of reflection के equal होता है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे angle 1 is equal to angle 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. लिख देना एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ सी, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, मीन्स बीपी जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है. जब बीपी इस पे परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो बीपी इज पैरेलल टू एम एंड सीपी इज पैरेलल टू एन. हमने बीपी इस पे ड्रॉ किया है, मीन्स ये इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, यहाँ भी ये इस पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है. ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस रहेंगी. तो इसके प्रूफ के लिए हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 है, इन ऑल एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आ जाए. तो हम बोल देंगे दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बिकॉज फॉर ए बी एंड सी डी बी सी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, राइट. सो हियर वी विल राइट एंगल सी पी बी will be of 90 degree. This angle will be of 90 degree. Now, in triangle CPB, angle 1, 2 plus angle 3 plus 90 degree, जो CPB angle है, their sum will be 180 degree, means angle 2 plus angle 3 आपके पास मिलता है 180 डिग्री माइनस
90 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, इस 2 का और 3 का सम 90 डिग्री मिलता है अपने को। हमें क्या लेना है कि 2 और 3 इक्वल है, 2 इक्वल है 4 के और 3 इक्वल है, सॉरी 2 इक्वल है 1 के और 3 इक्वल है 4 के। सो यहाँ से जो 2 प्लस 3 90 डिग्री सम है, तो इसके बाद हम लिख दें, मान लीजिए कि मैं इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ बाई 2 से और इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है, इसके प्लेस पे मैं लिख दूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, ओके, और 3 के प्लेस पे मैं लिख दूं एंगल 3 प्लस एंगल 4, ट्वाइस ऑफ 3 मीन्स ट्वाइस ऑफ 2 को आप एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिखेंगे और एंगल 2 1 के इक्वल है, तो 1 एंगल 2 को हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे। हमने बताया था कि हमारा टारगेट क्या है कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इन सब का सम 180 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनके एंगल्स के नेम लिख दीजिए, मीन्स एंगल ए 1 प्लस 2 का नेम लिखेंगे आप ए बी सी, प्लस 3 प्लस 4 का नेम लिखेंगे डी सी बी या बी सी डी इज 180 डिग्री। बट दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल BC फॉर AB एंड CD, हैंस AB विल बी पैरेलल टू CD, दिस ओनली वी हैव टू प्रूव। वापस देखिए एक बार, M और N टू मिरर्स हैं जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो हमने इसमें परपेंडिकुलर रख लिया। उसके बाद एक रे है AB, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होके BC यहाँ जाती है और फिर रिफ्लेक्ट होके CD बनती है। आपको प्रूव करना है कि AB और CD जो है वो पैरेलल लाइंस आएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है जिनको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो एंगल बनता है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इससे आपने पास क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। ऐसे इधर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि ये जो रे है ये इसके लिए इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे 1 इक्वल हो जाएगा 2 के और 3 इक्वल हो जाएगा 4 के। जब ये बी पी इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, तो बी पी जो है वो एम के पैरेलल हो जाएगी और ये इसके पैरेलल हो जाएगी, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा ये भी कितना आएगा 90 डिग्री। आप इसको पहले रेक्टेंगल बना के फिर 90 डिग्री बना सकते हैं, ये इनके पैरेलल बताओगे तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बी पी से ट्रायंगल लेनी है, इसमें ये जो एंगल रहेगा ये 90 डिग्री है, तो 2 का और 3 का सम 90 डिग्री आ जाएगा, तो हम इनका ट्वाइस लेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 जो आएगा वो 180 डिग्री आ जाएगा। फिर ट्वाइस ऑफ 2 को 1 प्लस 2 बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ 3 को 3 प्लस 4 बोलेंगे, और इन एंगल्स का सम ये बनता है ए बी सी और ये बनता है बी सी डी, इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 डिग्री है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि ये जो है ए बी और सी डी दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो एक तो ये क्वेश्चन करना आपको, दूसरा फिर आज हम कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे रिवीजन में, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए एक बार। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, फर्स्ट में बोलता है एन एंगल हुज मेजर इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज गिवन बाय, एक एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 5 टाइम्स है, तो हमने लिया लेट द एंगल बी एक्स, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री विल बी 90 माइनस एक्स,
Now angle is 5 times its complementary, means x will be equal to 5 times of 90 minus x, complementary angle के 5 times, then x will be 5 से multiply करेंगे तो 450 minus 5x, 5x इधर आता है, 450, then 6x is equal to 450, x will be 450 upon 6, 6 7 जा, 42, 3 6 5 जा, x आता है आपके पास 75 degree. ओके सो ऑप्शन में आपको 75 डिग्री मिलेगा, वहीं पे आप टिक कर देंगे. नेक्स्ट एंगल, एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 6 टाइम्स, सेम क्वेश्चन है, या आप करेंगे बट थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लीजिए. कहते हैं जो सप्लीमेंट एंगल है वो 6 टाइम्स है उसके कॉम्प्लीमेंट के, तो एंगल क्या है वो फाइंड आउट कीजिए. तो हम वही फाइंड करेंगे, देखिए सेम लेना अपने को, लेट द एंगल बी एक्स, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल विल बी 90 माइनस एक्स, देन सप्लीमेंट एंगल कितना आ जाएगा इसका, वो 180 डिग्री माइनस एक्स आता है. अब जो सप्लीमेंट एंगल है वो इस कॉम्प्लीमेंट एंगल के 6 टाइम्स है, मींस 180 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 90 माइनस एक्स. या जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 540 माइनस 6x, 6x को हम इधर ट्रांसफर कर लें, माइनस एक्स प्लस 6x इक्वल टू 540 माइनस 180, या तो आपके पास 5x, या जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 6, 3, x आता है आपके पास 360 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 5, 7 जा 5, 2 जा, मीन्स x आता है आपका 72 डिग्री का. वेरिफिकेशन के लिए आप 72 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे जो सप्लीमेंट एंगल आता है वो आपके कॉम्प्लीमेंट एंगल के 6 टाइम्स के इक्वल है कि नहीं. नेक्स्ट देख दिया, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 110 डिग्री एंड वन ऑफ देम इज 35 डिग्री देन द अदर इज. तो एडजेसेंट एंगल में आपको पता है कि उसमें रे कॉमन होती है. सपोज ये एक एंगल दे दिया, इसके मिडल में ये रे देता है, तो ये एंगल एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं. तो बोथ एंगल्स का सम इसने गिवन है आपके पास 110 डिग्री और उसमें से वन एंगल वो देता है 35 डिग्री. सपोज ये 35 डिग्री है तो ये फाइंड आउट करना है, तो 110 से आप 35 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा. नेक्स्ट में कहता है आपके पास एक एडजॉइनिंग फिगर देता है और आपसे एक्स की वैल्यू पूछता है. इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल्स देता है, उनमें एंगल्स का मेजरमेंट है एक्स में देता है वो, ये फिगर है. यहाँ पे एंगल्स बनते हैं ये 3x 4x 40 और आपको x फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे आपको लेना वही 3x प्लस 4x प्लस 40 जो रहेगा वो सम 180 डिग्री रहता है. आप लिखेंगे एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स हैं सम उनका 180 डिग्री, तो यहाँ से आपको x फाइंड करना है, फिर ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है. यह आ जाएगा 7x विल बी 180 माइनस 40, देन 7x विल बी 140, x विल बी 140 अपॉन 7, दैट्स 2 जा 20, x आता है आपके पास 20 डिग्री, तो ये 3x बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 80 आपके पास. ओके नेक्स्ट आपसे कहते हैं एक फिगर देता है, फिगर में 2 एंगल्स का सम देता है और आपसे वन एंगल पूछता है सी. ये फिगर देता है और इसमें आपसे कहता है एंगल एक्स ओ जेड प्लस एंगल वाई ओ टी, इनका सम देता है वो 266. एक्स ओ जेड एक तो ये एंगल बनता है, ओके वाई ओ टी एक ये एंगल बनता है, इन बोथ का सम दे रखा है उसने 266 और आपसे पूछा क्या है एंगल एक्स ओ टी फाइंड आउट करना आपको. दिस एंगल सपोज इसको मैं वन नेम दे दूं, इसको टू दे दूं और इसको थ्री दे दूं, ओके
तो देखिए जो एंगल टू और एंगल थ्री है वो इक्वल है, यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल्स इक्वल आएंगे और बोथ का सम इसने 266 दे रखा है, तो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल हो जाएगा 266 डिवाइड बाई टू के, टू वन जा थ्री जा थ्री जा 133 डिग्री आता है। अब आपके पास जो एंगल वन प्लस एंगल जो टू आएगा इनका सम आता है 180 डिग्री, ये वन और टू जो टी ओ जेड है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एंगल वन का मेजरमेंट एंगल टू का मेजरमेंट 133 है प्लस एंगल टू इट विल बी 180 डिग्री, तो एंगल जो टू रहेगा वो 180 डिग्री माइनस 133, आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल टू आ जाएगा आपके पास ये 7 डिग्री 4 एंड ओनली 57 डिग्री एंगल आ जाएगा आपके पास जो एक्स ओ टी एंगल बोलते हैं वो। इसके आगे कहता है कि एक फिगर है और फिगर में जो मेजरमेंट्स गिवन है और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है। सी आपसे कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, आपके पास थ्री पैरेलल लाइंस देता है वो, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे एक तो ये यहाँ तक ट्रांसवर्सल देता है और उसके बाद इससे ट्रांसवर्सल ये बनाता है और इसके बाद ये स्ट्रेट हो जाती है, ये आपका पी देता है या ओ, इस एंगल को देता है कि वो 60 डिग्री का है, इस एंगल को देता है कि वो 25 डिग्री का है, ये आर हो गया और ये एस हो गया। आपसे कहता है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के और पैरेलल है ई एफ के, ऑल थ्री लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। उसके बाद कहते हैं पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये जो पी क्यू जाएगी क्यू है भी पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंगल दिस 25 जो गिवन है वो है एंगल क्यू आर एस, फाइंड आउट करना आपको क्यू आर एस फाइंड करना है। देखिए ये एंगल क्यू आर एस, ये टू एंगल्स मिलके बनते हैं एंगल वन और एंगल टू, तो एंगल वन को तो मैं डायरेक्ट 25 डिग्री बोल दूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और ये बोथ पैरेलल लाइंस हैं और ये इसके लिए इंसिडेंट लाइन बनती है, आपको एंगल टू फाइंड आउट करना है मेनली, यहां पर आपको करना क्या है, देखिए ये एंगल 60 डिग्री देता है, ये बोथ पैरेलल लाइंस हैं, तो यहां पे आप ये जो एंगल थ्री है आप इसको फाइंड आउट करेंगे और एंगल जो थ्री आएगा वो 180 डिग्री माइनस एंगल 60 डिग्री आएगा, क्योंकि जो एंगल थ्री और 60 है वो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो एंगल जो थ्री आया वो आपके पास आता है 120 डिग्री। अब मैं एंगल थ्री और एंगल टू को डायरेक्टली इक्वल बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये और ये पैरेलल लाइंस हैं और ये भी पैरेलल लाइंस हैं, सो एंगल जो थ्री रहेगा वो टू के रहेगा आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। सो एंगल टू विल बी इक्वल टू एंगल थ्री, दैट्स इक्वल टू 120 डिग्री। अब आपको एंगल वन प्लस एंगल टू फाइंड आउट करना है, तो एंगल वन का मेजरमेंट आता है आपके पास 25 डिग्री का और एंगल थ्री का मेजरमेंट आता है 120 डिग्री का, मीन्स टोटली ये एंगल बन जाएगा आपका 145 डिग्री का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास वही सेम ऐसा ही फिगर देता है, थ्री पैरेलल लाइंस देती हैं, जो एंगल्स हैं उनका आपको रेशियो देता है और रेस्ट एंगल्स पूछता है। सी उसने दिया वही ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल लाइंस हैं, सी डी
ई एफ, दीज आर थ्री पैरेलल लाइन्स एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इज देयर. ओके एंड हियर दिस एंगल एक्स वाई एंड दिस जेड, दिस एक्स दिस वाई एंड दिस जेड. ओके नाउ ही से इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज 3:7. देन फाइंड एक्स, एक्स आपको फाइंड करना है. देखिए वाई का और जेड का रेशियो देता है वो 3:7, तो ये जो एंगल आएगा ये भी आपके पास वाई आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से वाई हो जाएगा. और वाई का और जेड का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, कोई इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, वाई का और जेड का रेशियो आपके पास देता है वो 3:7. सो इसके प्लेस पे मैं सपोज ये लिखूं कि 3a + 7a, एंगल वाई को तो मैंने ले लिया 3a और जेड को ले लिया 7a, बिकॉज दिस इज द रेशियो. सो एंगल्स विल बी मल्टीप्लाइंग बाई द एचसीएफ विच इज कॉमन टू बोथ विल बी 180 डिग्री. And this will be 10a is 180 degree, a will be 180 divided by 10, that's 18 degree. A आता है आपके पास 18 degree, so जो y है वो रह जाएगा आपके पास 3 into 18, 54 degree, और z है वो हो जाएगा 7 into 18, this will be 6126 degree. अब आपको z, x चाहिए. So, x will be equal to this angle. Means, इसको भी मैं x रख सकता हूँ. This will be the alternate interior angles and x plus y will be of 180 degree. So, x की वैल्यू आती y की वैल्यू आती है आपके पास 54 degree. Then x will be 180 degree minus 54. X will be 126 degree. Okay. एक्स आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट कहते हैं द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 155 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 55 डिग्री. द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, देखिए क्या क्वेश्चन है. सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल देता है 155 डिग्री का और ये टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स रहते हैं, इसमें से वन का मेजरमेंट देता है वो 55 डिग्री. तो सपोज ये एंगल वन है, तो एंगल वन जो है वो 155 डिग्री माइनस 55 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज जो 155 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल आएगा 55 डिग्री प्लस एंगल वन. एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है. सो दिस रिजल्ट वी विल यूज. उसके बाद कहता है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज. देखिए ट्रायंगल है एक, उसमें वन जो एंगल है वो अदर टू के सम के इक्वल है. सपोज ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, इसमें कहते हैं वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स. तो सपोज हमने लिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पे जो गिवन कंडीशन में ये बोलता है, हमने ले लिया कि जो वन एंगल है ये अदर टू एंगल्स के सम के इक्वल है वो एंगल ए है, जो एंगल ए है वो एंगल बी और सी के सम के इक्वल आएगा. तो यहाँ पे एंगल ए को तो मैं ए रख लूँ, प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे भी मैं एंगल ए रख दूँ, मीन्स इक्वल टू 180 डिग्री. ट्वाइस ऑफ एंगल ए आता है आपके पास 180 डिग्री, तो एंगल ए आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री अपॉन टू, दैट्स 90 डिग्री. जब वन एंगल 90 डिग्री आता है तो टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल. वही एडजॉइनिंग फिगर देते हैं और देखिए एडजॉइनिंग फिगर है दिस वन, उसके बाद ये देता है आपको
और अब से कहते हैं कि पी क्यू आर, और ये है टी। यहाँ पे इस एंगल को देते हैं 65 डिग्री का, और यहाँ देता है एक्स है, और इसको देता है वो 40 डिग्री है। कहते हैं क्यू पी ये पैरेलल है आपका आर टी के, तो एक्स फाइंड करना है। देखिए ये है क्यू पी और ये आर टी, ये बहुत पैरेलल लाइंस हैं। सो सपोज आई टेक दिस एंगल एज एंगल नंबर वन, सो एंगल वन जो रहेगा आपका वो 65 डिग्री का रहेगा, कोरस्पोंडिंग एंगल बनता है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब एंगल वन प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स, देयर सम विल बी 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 165 डिग्री का है प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स एज इट इज विल बी इक्वल टू 180। जब इनको ऐड करते हो तो ये आता है 105 डिग्री प्लस एक्स, दैट्स विल बी 180 डिग्री, और एक्स आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 105, दैट्स 75 डिग्री का, ओके एक्स आ जाएगा। सो दिस टाइप क्वेश्चंस यू विल गेट टुडे एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व देम, राइट। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो हम डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल।